हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनावी रण खत्म होते ही अब उत्तर प्रदेश का सियासत में गर्मी बढ़ने जा रही है और इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी ने कर दी है। समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि उपचुनाव को मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। सपा ने करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटहरी और मजावा से अपनी प्रत्याशियों को उतार दिया है। वहीं करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा, वहीं मजावा से ज्योति बिंदु को अपना उम्मीदवार बनाया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें कटहरी, करहल, मिल्कीपुर, मीरापुर, गाजियाबाद, मजवा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुंदरकी शामिल हैं। इन सीटों में से 9 सीट लोकसभा चुनाव में सपा विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई हैं, जबकि सीसामऊ सीट सपा के इरफान सोलंकी को आपराधिक मामले में जेल की सजा होने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होने के कारण खाली हो चुकी है। वहीं खाली हुई 10 सीटों में से 5 सीसामऊ, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी सपा के पास थी। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद, मजवा और खैर भाजपा के पास थी। आपको बता दें कि मीरापुर सीट भाजपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल रालोद के पास थी। करहल सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई है, जबकि कटहरी अंबेडकर नगर सीट पार्टी के लालजी वर्मा के अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से चुने जाने के कारण खाली हुई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विनोद कुमार बिंद ने भदोही से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद मिर्जापुर की मजवा विधानसभा सीट छोड़ दी है। वहीं भाजपा के अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि ने हाथरस लोकसभा सीट से चुने जाने के बाद अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। वहीं भाजपा के प्रवीण पटेल ने फूलपुर लोकसभा सीट से चुने जाने के बाद प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया। आपको बता दें कि सपा ने अपनी लिस्ट में मिर्जापुर के मजवा विधानसभा सीट से ज्योति बिंद को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि बीते दिनों ऐसी खबरें सामने आई थी, सपा ने अपनी लिस्ट में मिर्जापुर के मजवा विधानसभा सीट से ज्योति बिंद को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि बीते दिनों ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि मजवा सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे शांतनु रॉय को मिर्जापुर के मजवा सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार अजय रॉय ने प्रदेश से लेकर आलाकमान तक अपने बेटे के लिए जोरदार लॉबिंग शुरू कर दी है। वहीं अब समाजवादी पार्टी ने खुद इस सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। शांतनु रॉय अपने पिता के चुनावी अभियानों के संचालन को देख चुके हैं और वे राजनीति में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने MBA की पढ़ाई की है और छात्र राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि अजय रॉय के करीबी सूत्रों के मुताबिक मजवा अजय रॉय का ननिहाल है और इस क्षेत्र से उनकी सियासी और पारिवारिक पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है, इसीलिए वो अपने बेटे का राजनीतिक सफर यहीं से शुरू कराना चाहते हैं। गौरतलब है कि जिन 6 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें से 2 सीटें फूलपुर और मजवा पर 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी की गठबंधन साथी कांग्रेस भी अपने दावेदारी पेश कर रही थी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बाकी की 4 सीटों पर सपा का क्या निर्णय होगा। वही उपचुनाव में सपा उम्मीदवारों की घोषणा पर भाजपा ने भी चुटकी ली है। पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि सपा कांग्रेस का गठबंधन डावाडोल हो गया है। उन्होंने कहा कि ये सपा की सूची हरियाणा चुनाव परिणाम का असर है। कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर कांग्रेस की हैसियत बताई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा परिणाम से भाजपा कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ा है। उपचुनाव में सभी सीटों पर भाजपा गठबंधन जीतेगा।